नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे और आपके चैनल टेक्निकल दीपक में। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दनिश जिहान यूट्यूबर एंड ब्लॉगर जिनकी डेथ कार एक्सीडेंट में 20 दिसंबर को हो गई थी, उसके बाद उनका इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया था। अगर हम इंस्टाग्राम उनका अकाउंट इंस्टाग्राम पर सर्च करते थे तो नहीं आता था, उनका इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया गया था। लेकिन अब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। जिन्हें नहीं पता कि क्यों डीएक्टिवेट कर दिया गया था, उनके लिए हम बता दें कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक्सीडेंट होने के पहले 800 के फॉलोवर्स यानी कि 8 लाख फॉलोवर्स थे, और एक्सीडेंट होने के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे एकदम से 1.6 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, मतलब एकदम से डबल फॉलोवर्स हो गए। तो इंस्टाग्राम अकाउंट का कुछ एक्टिविटी इनवैलिड एक्टिविटी लगी, जिसकी वजह से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट को उन्होंने परमानेंटली डिसेबल कर दिया गया था, मतलब शो नहीं कर रहा था हमें, वहाँ पर कुछ एरर शो कर रही थी स्टार्टिंग में और बाद में वो भी शो नहीं कर रही थी। लेकिन जो भी फैंस जो भी थे, उनकी रिक्वेस्ट की वजह से इंस्टाग्राम ने उनका अकाउंट फिर से रीएक्टिवेट कर दिया गया है। और अब अगर आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करते हो, अगर आप अभी उनका इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करते हो, वही यूजर आईडी है जो पहले था वो ओपन करते हो, तो आपको वहाँ पर 1.7 मिलियन फॉलोवर्स मिलेंगे देखने को और 76 फॉलोविंग है। तो सेम अकाउंट है, फिर से रीएक्टिवेट किया गया है और सभी फ़ोटो सभी वीडियो फिर से बैकअप आ गए हैं। इंस्टाग्राम आईडी डीएक्टिवेट करने का मेन रीज़न ये भी था क्योंकि उनके जो वीडियो थे पुराने, उनका यहाँ पर मिसयूज हो रहा था, मतलब कुछ वीडियो हमने आपको बताया जिसमें मिसयूज हो रहा था, बताया जा रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। तो इसी के कारण उनका उसी टाइम मतलब एकदम से डबल फॉलोवर्स होना इंस्टाग्राम को इनवैलिड लगा और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को वहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिया गया। तो यही अपडेट था, हमने आपको बताया था कि हम कुछ भी अपडेट आता है तो हमारे चैनल पर आपको बताया जाएगा कि अपडेट आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।